हरि ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये पांच दिन बहुत ज्यादा भारी रहने वाले हैं। ये पांच दिन बहुत ज्यादा हमें सावधानी के साथ बिताना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ग्रह स्थिति है और क्या प्रभाव मिलने वाला है, और ये पांच दिन बहुत ज्यादा ध्यान से बिताने की आवश्यकता क्यों है, भारी क्यों है, ये सबसे पहले हम कारण समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि दैनिक राशिफल के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 1500-1600 लोगों ने कहा था कि हाँ दैनिक राशिफल जो है तो डालिए। परंतु तो वहां पर स्थिति क्या है कि मैंने लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रयास किया कि दैनिक राशिफल आपको दिया जाए, परंतु संभव नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी वीडियो पहले ही आती हैं और दैनिक राशिफल और भी बहुत ज्यादा फिर वीडियो हो जाती हैं। तो ये जो स्थिति बनने जा रही है ये गोचर के आधार पे ही है और ये चंद्रमा के परिवर्तन से स्थिति बनने वाली है। 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त का समय रहने वाला है। 19 अगस्त को शाम को चंद्रमा 7 बजे यानी कि 6:58 7 बजे से चंद्रमा शाम को 7 बजे से कुंभ राशि में आ जाएंगे और कुंभ राशि में पहले 2.25 दिन रहेंगे और इसके बाद फिर चंद्रमा अपना परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे और 23 अगस्त को चंद्रमा शाम को 7:54 मतलब आप 8 बजे तक पकड़ लीजिए। तो ये समय होगा पहले कुंभ में और फिर मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो आप जानते हैं कि कुंभ राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है और मीन राशि में राहु विराजमान है। तो यहां पर स्थिति क्या बनने वाली है कि एक तो पहले शनिदेव के साथ जब युति करेंगे 23-24 तारीख को, तो ये जो समय होगा ये समय 19 और 20 को और फिर 23 तारीख को, तो ये जो समय है ये समय कैसा रहेगा, 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 दिन, 20 योग और ग्रहण योग दोनों के साथ ये समय बीतने वाला है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और हमारे जीवन में आप खासकर मेष राशि या मेष लग्न है आपकी, तो आपके लिए सुख के अधिपति होते हैं। तो ये जो समय है ना प्रिय दर्शकों, इस समय आपके आय में समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं, आय में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा समस्या हो जाती है जिनकी आय अनिश्चित है। यानी कि अब जैसे किसी व्यक्ति की एक सैलरी फिक्स है कि 20,000 मिलना है, तो 50,000 जो भी, तो वो निश्चित है कि मिलना ही है। परंतु जिसका वैसा होता है काम कि भाई हफ्ते में मिलता है या रोज मिलता है जितना, आप जैसे अब शेयर मार्केट की हम बात करें तो शेयर मार्केट में बहुत लोग रोज जो है तो शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक निश्चित है कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाना है, या किसी किसी का एक हफ्ते में हो जाता है। तो ऐसा अब जैसे व्यापारियों की ही बात करें कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपका भाई रोज बिजनेस हो रहा है, रोज धन आ रहा है, तो यहाँ पर स्थितियां रोज धन आने जाने की हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि धन में कहीं कहीं कमी देखने को मिलेगी और इस समय कई सारी आपकी जो पहले से प्लानिंग बनी हुई है तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इस समय रुक सकती हैं। काम इस समय 19 तारीख से लेके और 23 तारीख के बीच में काम में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आपको अपने संतान का भी ध्यान रखना चाहिए और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने गर्भ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को भी और लव पार्टनर को भी यहाँ पर
बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि लव पार्टनर के बीच में वाद विवाद अनबन की स्थितियां और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से यहाँ वहाँ हट सकता है, या आप शेयर मार्केट लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में कुछ भी निवेश करते हैं या किसी भी तरह लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, समस्याएं देखी जा सकती हैं। और साथ में जब ये ग्रहण योग बनाएंगे मीन राशि में जाके, तो इस समय विशेष रूप से देखा जाए तो शत्रु बाधा से आपको सावधान रहना चाहिए। कर्ज के, यदि आपको कर्ज लेना है, लोन लेना है, तो इस समय नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और लोगों से बात ब्यात तो बिल्कुल भी ना करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हैं यदि, तो यहाँ पर आप हो सकता है कि गलती से कुछ ऐसे शब्द बोल जाए जो कि आपके लिए उचित नहीं हो और भी आप उसमें फंस सकते हैं, तो इसलिए आपको सावधानी इस समय इन मामलों में भी बरतना चाहिए। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा, तो राहु यात्रा तो करवाते हैं, परंतु चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो भी यात्रा करने का मौका तो मिलता है, परंतु यहाँ पर स्थितियाँ क्या है कि समस्याएं भी देखने को मिलने वाली हैं, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख का 5 दिनों का लगभग समय है, क्योंकि सवा 2 दिन एक राशि में चंद्रमा रहते हैं, तो पहले कुंभ में रहेंगे सवा 2 दिन और फिर मीन पर, तो ये सावधानियां बरतिए। और आगे मेरा प्रयास होगा, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर प्रयास होगा कि इसी तरह जो स्थितियां चंद्रमा की बदलती रहती हैं उनके द्वारा प्रभाव, जैसे मैं दैनिक राशिफल की बात की कि दैनिक राशिफल नहीं बन पाता है क्योंकि इतना समय नहीं होता, तो इसी तरह कई दिनों का, आप समझिए ये लगभग 5 दिनों का दैनिक राशिफल समझिए कि है, और क्या प्रभाव चंद्रमा द्वारा दिखेगा वो भी हम समझ रहे हैं। तो बीच बीच जो महत्वपूर्ण स्थितियां होंगी जहां पर कोई विशेष लाभ या तो कोई समस्या विशेष रूप से हो रही होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि वीडियो बनाया जाए, तो देखते हैं कितनी वीडियो, कब तक वीडियो बन पाती हैं। बाकी यदि आप लोग को लगता है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि 5 दिनों का ये राशिफल एक साथ ही आपको मिल गया, तो आप हाँ में जवाब दे सकते हैं यदि आप एग्री हैं। और रही बात कि इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना इस समय सर्वश्रेष्ठ है, श्रावण मास चल ही रहा है, तो भोलेनाथ की खूब आराधना करिए और इससे बचने का यही मात्र एक अच्छा तरीका है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा भोलेनाथ का, खूब जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।